फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गांठ गोभी की सब्जी। ये बहुत फ़ायदा करती है और सर्दियों में बहुत आयत में मिलती है, आती है। तो आजकल बहुत अच्छी गांठ गोभी आ रही, तो मैंने 6 गांठ गोभी ली हैं, इनको मैं बनाऊंगी। देखिए, मैंने इनको आलू की तरह छील लेते हैं, इसको बिल्कुल छिलका इसका निकाल लेते हैं, ऐसे बहुत आराम से कट जाती है ये। और इसको हम ऐसे छिलका उतार करके फिर हम इसको आलू की तरह काट के और इसकी हम सब्जी बनाएंगे। लेकिन मैं बिना घी तेल के बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये सब्जी फटाफट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने गांठ गोभी काट के भिगो दी है। तब तक हम ये देखिए, मैंने एक पत्ता गोभी थी मेरे पास और ये कट के बारीक बारीक मैंने बहुत बारीक काट ली है बिल्कुल। और इसको मैं थोड़ा सा मसाला डाल के कढ़ाई में भून लेती हूँ। तो क्या है कि ये पूरा पानी बहुत छोड़ती है, तो मैं इसको हल्का सा इसको आँच दे करके भून लेती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ देखिए अदरक। अदरक हम अच्छे से डालेंगे, खूब सारा, बढ़िया, खूब अदरक आ रहा है सर्दियों में, बढ़िया सा। देखिए, मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो हरी मिर्च किसी समय बारीक बारीक कतर के डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ भुना जीरा, बिल्कुल पिसा हुआ, सारे मसाले में पिसे हुए ही डालूँगी और मसाले में अच्छे से डालूँगी। इसमें आप इस समय चाहे तो इसमें बारीक कद्दूकस करके प्याज डाल सकते हैं, कतर करके, आपकी इच्छा है। मैंने प्याज लहसुन इसमें नहीं डाला है, इस समय आप उसको डाल सकते हैं। इसे हम डालेंगे दालचीनी पिसी हुई और इसी समय हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लौंग। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई लौंग, क्योंकि सर्दी बहुत है, लौंग वगैरह बहुत अच्छी समय रहती है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल रही हूँ एक ये मसाला है मेरे पास, जो मैं नमकीन बनाती हूँ घर में, पोहे का, चने का, तो वो नमकीन मैंने पहले दिखाया हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। वो पोहा क्या है, उसका नीचे मसाला बैठ जाता है नमकीन में, आपको पता है, बाजार के नमकीन में भी बैठता है तो घर के नमकीन में भी बैठता है। तो इसमें तिल है, धनिया है, नमक है, थोड़ी सी पिसी चीनी है, तो ये सब है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ इस मसाले को, है ना। अब मैं इसमें अभी देखिए, इसीलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें नमक है मसाले में। इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च थोड़ी सी, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, आप हरी मिर्च, लाल मिर्च आपकी पसंद है उससे आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको मैं थोड़ा सा मिला दूंगी, मैंने बड़ी कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि क्या उसमें थोड़ा सा ये मिलाने में आराम रहता है और ये क्या पानी छोड़ती है पत्ता गोभी, इसलिए मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, नमक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नमक हम टेस्ट करके डालेंगे। मैंने इसमें मसाला डाला है तो उसमें भी नमक है, तो अभी मैं इसमें नमक इसलिए नहीं डाल रही हूँ। और इसको मैं इतना भून दूँगी कि इसका पानी तकरीबन सूख ही जाए और ये थोड़ी सी कम हो जाती है, गल जाए थोड़ी सी। आप चाहें तो कच्ची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नमक डालेंगे पानी छोड़ेगी, इसलिए मैं इसको भून के तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून गई है, इसमें मैंने 1 टीस्पून सूखी मेथी और ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ हींग, बहुत ज़रा सी हम हींग डालेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि हींग क्या होता है कि बस खुशबू के लिए डालते हैं, बहुत गर्म होती है हींग की तासीर, तो हींग हम कम खानी चाहिए, लेकिन खानी चाहिए, तो ये गैस्ट्रिक वगैरह में आराम देती है और गर्म होती है इसकी तासीर। बस देखिए, ये इसमें मुलायम हो गई है, पानी इसने सारा जो छोड़ दिया है, नीचे से देखिए भुनने लगी है कढ़ाई में, है ना। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ उतार के, फिर मैं इससे क्या बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी, इसको हम जब तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम गांठ गोभी छोंक रहे हैं, इसमें हम पहले डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर डाले हैं बस मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें हम डाल देंगे अदरक, अदरक अच्छे से डालेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी देखिए कटी हुई गांठ गोभी, मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं आलू की तरह, और अब हम इसमें गांठ गोभी डाल देंगे
और अब हम डाल देंगे मटर। मटर तकरीबन एक कटोरी है, अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए भून कर मैंने जीरा रखा हुआ है साबुत, ये हम डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे हींग, बहुत ज़रा सी हींग डालेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, लौंग पिसी हुई, ठीक है ना। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, धनिया भी इसमें बहुत ज़्यादा पिसा धनिया नहीं डाले, जो इसकी खुशबू बस जाए सब्जी में, बहुत ज़्यादा इतना नहीं। हल्दी थोड़ी सी हम डालेंगे, पिसी सौंफ थोड़ी सी, जितना धनिया डाला उतना, तकरीबन आधा टीस्पून बस। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च एक चुटकी और डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पानी, ये देखिए इसमें मैं डाल दूंगी पानी। पानी हम थोड़ा डालेंगे, तकरीबन एक कप, और इसमें हम डाल देंगे, देखिए ये किशमिश मैंने पीस ली थी, ये काली किशमिश है, ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली थी। इसमें क्या है, आप अगर किशमिश नहीं डालना चाहते हैं, आप इसमें अनारदाना या आप इसमें इलायची, ये क्या कहते हैं मीठा, चीनी डाल सकते हैं। जैसे मैं चीनी नहीं डालती हूँ तो मैंने इसमें ये डाल दिया है। तो आप ताज़ा अनार भी इसमें पीस करके, अनार का रस, जैसे गूदा और अनार का रस, ये आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसमें साबुत हरी मिर्च डाली है, मैं साबुत ही हरी मिर्च डालती हूँ सब्जियों में, क्योंकि क्या मैं मिर्च खाती नहीं हूँ। नमक स्वाद अनुसार डालिए, सेंधा नमक खाती हूँ मैं, तो सेंधा नमक डाला है मैंने। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना नमक इसमें डालना है। और बस हम इसको ढक्कन लगा करके इसमें हम तकरीबन 3 सीटी देंगे, और ये आराम से इसमें गल जाती है 3 से 4 सीटी में। देखिए फ्रेंड्स ये गोभी को मैंने, पत्ता गोभी जो भुनी थी उसमें मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। बाकी मसाले मैं इसमें डाल चुकी थी, अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और नमक क्या है कि बहुत थोड़ा ही ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है, मैंने टेस्ट कर लिया है, तो फीकी नहीं है, कम है नमक, तो हम थोड़ा सा बस नमक डालेंगे बस, है ना। तो इसको मैं इसमें ऐसे मिला दूंगी पूरे को। इसमें मैंने मेथी भी डाल दी, आपको दिखाया मैंने, सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। और ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ मक्का का आटा। पहले मैं 1 कप डालूंगी, फिर मैं देखूंगी कि मुझे इसमें कितना आटा और चाहिए, तो जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसमें आटा डाल लेंगे। क्या है, वैसे तो मैं 2 कप आटे का मलने की विचार है मेरा, लेकिन क्या है कि अगर पत्ता गोभी, मतलब ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मज़ा नहीं आता फिर ना खाने में, अगर इसमें सब्जी कम लगेगी तो ना, तो अपन को टेस्ट नहीं आता है खाने में। अभी मेरे ख्याल से इसमें मैं 1/2 कप और डालूँगी मक्का, बाकी मैं इसमें बाकी देखूँगी कि मुझे इसमें कितनी ज़रूरत है मक्का आटे की। मुझे नहीं लगता कि मैं और मक्के का आटा इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा, गरम है ये, बढ़िया है आटा, इसी में देखिए अच्छे से मिल गया है, और अब मैं इसको हाथ से इसी में मल लूँगी। तो हम थोड़ा सा, अगर पानी जितना ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम मल लेंगे। पहले मैं ऐसे इसको हाथ से मलूँगी ऐसे, क्योंकि ये क्या है कि सॉफ्ट होने लगेगा जैसे जैसे, देखिए मैं मलूँगी, देखिए हो रहा है ना, आप देखिए गर्म है बिल्कुल। गरम में आटा बहुत आसानी से मलता है, इसलिए आप ये कोशिश करिए कि गरम में मल लें। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 1.5 कप मक्की के आटे में आटा मल गया है, और बहुत अच्छे से बिना पानी डाले, मेरे को इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना पड़ा, और ये बिल्कुल आटा अच्छे से मल गया है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम, आप देखिए हार्ड नहीं है, है ना। आप चाहें तो इसमें आटा और डाल सकते हैं और पानी का छींटा देकर इसको मल सकते हैं, तो जितना आपको आटा ज़्यादा चाहिए तो आप आटा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने हरा धनिया मिला दिया था, उसमें मैं भूल गई थी, और इसको अच्छे से मल के मैंने इसकी पेड़ियाँ बना ली और मैंने गाय की रोटी सेक के रख दी। अब हम अपने खाने की रोटियाँ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा पलेथन लगाकर बेल लेती हूँ। आप चाहें तो मक्का के आटे का पलेथन लगाएं, या आप इसको गीले हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये पानी के हाथ से भी बढ़ जाती है। थोड़ा सा इसको पतला करें, क्योंकि मक्का का आटा जितना भी सूखा होगा उतना ये फटेगा, तो इसको थोड़ा मॉइस्ट ही रखना चाहिए। अब मैं इसको देखिए मोटी मोटी बनाती हूँ, बहुत पतली नहीं बनाती हूँ मैं, और अब मैं इसको तवे पर सेकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गैया की सेक दी है रोटी, और अब मैं यहाँ पर ये वाली रोटी डाल दी है। फ्लेम मीडियम है, हाई नहीं है, और अब मैं तब तक दूसरी रोटी बेल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने रोटी पलट दी है, एक साइड से हल्की सी सिक गई है। अब मैं इसको पलट करके इसको थोड़ा सा बीच में सरका दूंगी। दूसरी रोटी बेल गई है, जब तक अभी मैं इसको एक साइड से हम अच्छे से सेकेंगे। इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है हर रोटी को, तो थोड़ा सा आप टाइम लेकर इसको सेकेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी तरफ से देखिए ऐसे सिक गई, पूरी सिक गई एक तरीके से, है ना। तो ऐसे हम इसको अब उठा करके यहाँ फ्लेम के ऊपर इसको मैं धीरे धीरे इसको मैं सेक लूँगी थोड़ा तसल्ली से। फ्रेंड्स, इसको मैं इधर धीरे धीरे सेकती जा रही हूँ, और एक मैंने तवे पर दूसरी रोटी जो बेल ली थी वो डाल दी है। फ्लेम मेरी इस समय लो मीडियम है, मीडियम से भी थोड़ी कम है, क्योंकि क्या है कि ये बहुत जल्दी से नहीं सिकनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है, तो इसलिए हम थोड़ा तसल्ली से इसको धीरे धीरे सेकेंगे। ये हम अंगीठी पे भी सेकते हैं, और बहुत अच्छी सिकती है इस अंगीठी के ऊपर। मैं आपको कभी मौका लगता है, पहले मैंने अंगीठी पर आपको अपनी कुकिंग दिखाई हुई है, वीडियोज में आप पीछे देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको पलट देती हूँ, ठीक है ना। अब मेरी फ्लेम फिर से मीडियम है, हाई नहीं है, और ये देखिए ये एक साइड से पूरी मक्के की रोटी सिक गई है, देखिए दोनों साइड से बढ़िया सी। और अब हम इसमें देसी घी लगाकर रख लेंगे। देखिए मैं घी नहीं खाती, लेकिन परिवार में सब घी खाते हैं। आप भी देसी घी लगाइए इसमें, बिना देसी घी के मत खाइए, क्योंकि ये खुश्क होते हैं आटे, बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का, सब आप घी लगाकर खाइए, क्योंकि थोड़ा सा खुश्क होता है ये आटा। कोई प्रॉब्लम है हार्ट की तो आप, मैं घी खाने का सजेशन नहीं दूंगी, लेकिन आप वैसे घी खाइए। तो अब मैं इसको सेक कर इसी तरह से यहाँ पर आँच पे सेक लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर, और अब हम इसमें बस थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, बहुत थोड़ा सा पहले डालेंगे जो सब्जी के अंदर के लिए है। और अब हम इसमें इसको मिला देंगे सब्जी को अच्छे से। देखिए रसा बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें रसा। बस अब हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्लेटर तैयार है, ये मक्के की पत्ता गोभी की बढ़िया मसालेदार रोटियाँ, देसी घी लगी हुई, और ये गांठ गोभी की सब्जी मटर के साथ बढ़िया एकदम, और ये चटनी, हरी चटनी और खीरे का सलाद। तो ये आज का लंच आपको मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरे चैनल पर आते रहिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी रेसिपीज़ को, और शेयर करिए आप, और बताते रहिए अपने फ्रेंड्स को और बाकी जो आपके कॉन्टेक्ट्स वाले हैं, जिससे मेरा चैनल सब देखें और मेरे को आगे बढ़ने में थोड़ा आपका साथ मिलता रहे। अनूठी में विज़िट करते रहिए फ्रेंड्स, आते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।